नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 4 अगस्त के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:33 से लेकर 12:57 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है शाम 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि में भ्रमण करेगा सुबह 9:28 के बाद। और आज के दिन चंद्र और बुध का लाभ योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 9:28 के बाद ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो वैसे देखा जाए, आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा होने के बावजूद आपके लिए काफ़ी अच्छा दिन होगा। खास करके जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके काम की एप्रिसिएशन हो सकती है। वहाँ पर जो लोग होंगे वो आपको मददगार साबित हो सकते हैं। और घर की जो कंडीशन है पिछले 2-3 दिनों में जो इतनी अच्छी नहीं थी, वो नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। तो आपका जो मूड होगा वो सामान्य दिखेगा, अच्छा दिखेगा। ऐसे देखा जाए तो शुभ दिन आपके लिए साबित होगा। उसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 9:28 के बाद ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। और आपके तृतीय भाव में सिर्फ बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो वैसे देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आपके लिए आज का दिन है बहुत ही शुभ फलदायी होगा। जो भी आप अंदाज लगाओगे वो सही होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके मन में कई प्रकार के आइडियाज़ वगैरह आ सकते हैं, जिसके ऊपर अगर आप अमल करते हो तो वो आइडियाज़ आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल भी साबित हो सकते हैं, फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 9:28 के बाद चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। और आपके द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। जो भी पैसे के मामले में छोटे मोटे प्रॉब्लम थे वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आज थोड़ा आप आराम करना पसंद करोगे और आपको आराम भी मिल जाएगा। तो ऐसे देखा जाए तो कोई बहुत सारी उथल फुथल नहीं हो रहेगी, लेकिन आपके मन में हमेशा किसी ना किसी प्रकार के विचार होते हैं, बहुत सारे प्लान्स वगैरह होते हैं। लेकिन आज का जो दिन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शांततापूर्वक बीतने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 9:28 के बाद चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। और आप ही के तृतीय जो है बुध, वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ लाभ योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन जो होगा वो पूरी तरह से बिजी होगा। मतलब किसी ना किसी काम पे पीछे आप लगे रहोगे तो बिजी शेड्यूल होगा। तो मेरे ख्याल से दिन कैसे आया, कैसे चला गया, इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो भी काम होगा, जो भी आपका बिजीनेस होगा, वो अच्छी तरीके से, मतलब जिसे हम पॉजिटिव वे में सकारात्मक दृष्टि से आपको साबित होगा, जिसके आपके सकारात्मक आपको इनपुट भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 9:28 के बाद ये चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके व्यय भाव का जो बुध है उसके साथ लाभ योग करने जा रहा है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन पिछले 1-2 दिन में जो भी स्ट्रेस आपको आया था, वो आज के दिन पूरी के पूरी तरह से निकल जाएगा। दूसरी बात, पैसे के मामले में जो भी अड़चन थे वो भी सॉल्व होते नजर आएंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम आए थे उसके ऊपर किस प्रकार से काम करना है, उसके संदर्भ में कुछ अच्छे आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दिन आपके लिए वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा और शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 9:28 के बाद ये चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। और आप ही के लाभ भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी आज का दिन होगा। खास करके प्रत्यक्ष लाभ के बारे में, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों में आपने लाभ सोचा था वो सही तरीके से नहीं हो रहे थे। आपके जो मित्र परिवार है वो भी आपके साथ उनकी अच्छी नहीं जम रही थी, लेकिन आज का दिन पूरी तरह से अलग थलग होगा, बहुत ही शुभ फलदायी होगा। अगर आपको कुछ आज के दिन काम करवाना है, किसी चीज़ पर अगर आपको डिसीजन भी लेने हैं तो आज के दिन ज़रूर लेना, क्योंकि आज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आइडियाज़ वगैरह आ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो इंटेलिजेंट में, मतलब आपकी जो राशि के बौद्धिक है वो काफ़ी अच्छे है। तो
अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, थोड़ी डिसीजन पावर कम होती है, लेकिन अगर आपकी आपको कुछ डिसीजन लेना है तो आज के दिन ज़रूर लेना, वो डिसीजन शुभ फलदायी होने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण सुबह 9:28 के बाद चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के दशम भाव में से बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो अगर आप जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर अगर आपको कुछ बदलाव लाने हैं, उसमें कुछ बदलाव अगर आपको देखने हैं, तो आज के दिन उसके संदर्भ में जो वातावरण है कि या फिर आज का जो दिन है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो छोटे मोटे अगर आपको बदलाव लाने हैं वो सही साबित होंगे और किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या प्रेशर में आप नहीं रहोगे। तो मेरे ख्याल से जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, मतलब जो भी आपका करियर, उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके लाभ के बारे में काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिल जाएंगे और आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको बहुत ही अच्छी तरीके की सलाह मिल सकती है। अगर आप उस पर अमल करते हो तो आगे जाके आपको उससे उसके संदर्भ में कुछ सकारात्मक विचार वगैरह आ सकते हैं या फिर सकारात्मक सक्सेस आपको मिल सकता है, यश आपको मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा दिन है और करियर के मामले में प्रत्यक्ष लाभ के बारे में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। उसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके काम की अच्छी अप्रिसिएशन हो जाएगी और जो लोग मतलब जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है धनुराशि के, उनके लिए भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी है। उसी प्रकार आज के दिन आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड लाभ भी मिल सकते हैं। तो दिन काफ़ी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप के सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा होगा जिन लोगों की शादी, जो लोग शादीशुदा है मकर राशि के, तो उनकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ इतनी अच्छी नहीं जम रही थी, तो आज का दिन उससे पूरी तरह से अलग होगा। आप दोनों में काफ़ी अच्छी साझेदारी देखी जाएगी, काफ़ी अच्छी हारमोनी देखी जाएगी और उनसे आपको कुछ अच्छी मदद भी मिल सकती है, कुछ अच्छी सलाह भी मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा दिन है आपके जो मतलब आपके जो शादीशुदा जीवन के जो भी रिलेशनशिप है उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखी जाएगी, हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अच्छा दिन है रिलेशनशिप के मामले में, जो लोग प्रेम में हैं उनके लिए भी देखा जाए तो दिन काफ़ी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो पहली तो बात सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं तो उसके बारे में ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप किसी मतलब पैसे के मामले में, पैसे की ज़रूरत में हो और वो जो अमाउंट है वो बहुत बड़ी है, तो उसके बारे में कुछ अच्छे आपको क्ल्यूज़ वगैरह मिल सकते हैं, जिसके बारे में अगर सोचा जाए तो उसके संदर्भ में आपको जो क्ल्यू मिलेंगे उसके आधार पर अगर आप देखो तो आगे जाके उसके संदर्भ में आपको कुछ अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है तो उसके ऊपर आज के दिन ज़रूर काम करना, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के सप्तम भाव, मीन राशि के पंचम षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, सुबह 9:28 के बाद चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। जो व्यक्ति प्रेम में है या फिर जो लोगों की शादी हुई है उनके लिए रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी अच्छा दिन देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी जो आज का दिन है बहुत अच्छा दिन है और लकी डे जिसे हम बोलते हैं वो भी आपके लिए साबित हो सकता है। जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं उनके जो अंदाज़ है वो सरल मतलब एक्यूरेट होते हुए नज़र आएंगे। तो काफ़ी अच्छा दिन है, शुभ दिन है आपके लिए, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। तो दोस्तों ये था दिनांक 4 अगस्त के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।